Good morning, dear students. In this video, we will discuss about the chapter 6 and the chapter 8 is parts of a plant. So, यहाँ पे हम लोग एक plant के parts के बारे में बात करेंगे. Okay. In our previous lessons, we have discussed about the living and non-living. वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो living है, इसको दो parts में divide करते हैं. एक जो है आपका animal और दूसरा plant. तो यहाँ पे हम लोग plant के बारे में बात करेंगे. So here we can see the picture of the plant. एक plant की picture यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? And if you will see the picture of a plant, that we get that a plant's body is divided into two main parts. अगर हम देखें तो ये जो plant है, इसको दो main part में divide कर सकते हैं. एक है आपका stool और दूसरा है root. तो ये stool और root क्या होते हैं? Let's see the stool. The part of the plant that remains above the ground is called the stool. And the part of the plant that remains under the ground, this is called the root. So, हम यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जो stool है, ये plant का दो part है, जो कि ground के above रहता है, यानी ground से ऊपर रहता है. जहाँ पे देखिए ये जो है ground है, यानी ये जमीन अगर हम देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो मिट्टी के ऊपर जो part है plant का, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तक का जो part आप देख सकते हैं, इसमें आपका stem, leaf, fruit, flower, ये सारा कुछ है. तो ये पूरा part जो है ये stool कहलाता है, ठीक है? और वो part plant का जो कि under the ground, यानी जमीन के जो अंदर रहता है, मिट्टी से जो ढका रहता है, उसको हम बोलते हैं रूट. तो इस तरह हमने दो मेन पार्ट देखे प्लांट के. नाउ वी विल आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द प्लांट वन बाय वन. तो यहाँ पे अगर हम देखें सूट में ही, तो सूट में ही बहुत सारे पार्ट होते हैं. जैसे कि हम देखेंगे जो अगर हम इसको देखें तो ये किसको क्या बोलते हैं? दिस इज द लीफ. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द बड. बट यानी कली जिससे फ्लावर आता है. और हियर यू कैन सी द फ्लावर, हियर फ्रूट, हियर स्टेम एंड हियर ब्रांच. इन दिस वे वी हैव आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द प्लांट. और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रूट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रूट है. तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे जो प्लांट के पार्ट है, इसको आइडेंटिफाई करा है. सो थैंक यू स्टूडेंट.